मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाती हूँ जिसे स्टोरी को सुनकर आप कहेंगे धन्य हो ऐसी विचारधारा। एक बार एक बूढ़ा आदमी एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने चला जाता है और खाना खाता है। खाना खाने के बाद जब बिल की बारी आती है तो वो बोलता है कि मेरा जो वॉलेट है वो घर पर रह गया। तो जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है वो एक सरदार जी होते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, जब आपके पास पैसे होंगे जब दे देना। तो जब उसके जाने के बाद जो वहाँ का वेटर होता है वो बोलता है कि ये रोज़ का काम हो गया है, ये खाना खाकर चला जाता है लेकिन पैसे नहीं देता। ऐसा काफ़ी सारे होटलों में कर चुका है, लेकिन सरदार जी कहते हैं ये यहाँ पे होटल समझकर नहीं आते, ये लंगर समझकर आए होंगे, क्योंकि हमारा काम तो लंगर खिलाना है इसलिए ये लंगर समझकर आए हैं। और ये कोई बड़ी चीज़ खाकर नहीं गए हैं, कोफ्ता पनीर या दारू कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खाकर गए हैं, ये सिर्फ दाल रोटी खाकर गए हैं। तो इस बात पर वेटर गुस्सा हो जाता है, लेकिन मालिक की ये बातें सुनकर आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना। अगर ऐसी विचारधारा लोगों की हो जाए तो बड़ों के प्रति आदर आ जाए तो हमारा देश बिल्कुल बदल जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में?